गुड मॉर्निंग गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टाइम्स कोचिंग द फ्यूचर टाइम्स. स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में. सो कैसे हो भाई सब लोग, एक बार जल्दी से बताओ सब लोग कैसे हो. हमारा पहला सवाल तो यही रहता है, अगर आप सब लोग अच्छे हैं, मस्त बिंदास हैं, लाइफ झिंगा लाला चल रही है, तो फिर शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की. दोस्तों सभी को हैप्पी बर्थडे. क्या सभी का हैप्पी बर्थडे है आज? हाँ जी, हैप्पी जन्माष्टमी गाइस. आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं. और जन्माष्टमी के इस अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटा सा तोहफा, एक छोटा सा गिफ्ट आप लोगों के लिए सरप्राइज है. तो वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि क्या गिफ्ट यहाँ पर है आपके लिए. ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो डेली करंट अफेयर्स का रहेगा, और ये वाला जो सेशन है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहता है, जिसमें आपको स्टैटिक फैक्ट्स, एनालिसिस, मैप्स, क्विजेस के माध्यम से सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. हाँ जी, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को भी. आज की क्लास का पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो साइंस विद काजल मैम के नाम से, जहां पर डेली की क्लासेस का पीडीएफ एंड नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. मैं भी बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच. ओके, कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे विश किया जा रहा है सबको. चलिए, सो गाइज आपके लिए स्पेशल लेकर आए हैं आज जन्माष्टमी स्पेशल पर आपके लिए, जितने भी लाइव बैचेस चल रहे हैं उन सभी पर 35% ऑफ रहेगा, और कोड यूज करना है कृष्णा 35. सिर्फ आज के लिए रहेगा, जो भी बैच परचेस करते हो 35% का ऑफ है सिर्फ आज के लिए. कुछ मीठा खिलाओ मैम. अरे मीठा क्या, देखो तुम मक्खन से भरी यहाँ पर देख रहे हो तुम लोग हांडी, ये खाओ आराम से. डिस्काउंट है 35% का, ठीक है ना. चलिए शुरुआत करते हैं गाइस. कुछ बैचेस आपके लिए लेकर आए हैं. काजल मैम का बैच है ये बायोलॉजी स्पेशल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और ये वैदिक प्लस मैथ्स डीपी सर लेकर आए हैं. यूपी टैट के लिए है ये, कंप्लीट सिलेबस होगा यहाँ पर. और पैडागोगी का बैच है यहाँ पर आपका. नेक्स्ट आपका स्टेट पीसीएस. कुछ बच्चे आज पूछ रहे थे स्टेट पीसीएस के बारे में, तो ये वाला जो बैच रहेगा आपका 2999 का रहेगा. बिहार स्पेशल जो है वो 2599 का रहेगा भाई, जिसमें बच्चे ने मुझसे आज टेलीग्राम पे पूछा था वो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा. और राजस्थान स्पेशल 2599 का बैच है. मैथ्स प्लस साइंस का कॉम्बो बैच है, 1111 रुपीज का है. मैम आज मेरा भी हैप्पी बर्थडे. चलिए बहुत किस्मत वाले हो, आज के दिन तुम्हारा बर्थडे आया है. हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे और ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से. चलिए, अंकुर सर का 451 रुपीज का ये बैच है. और अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है. ये पारुल मैम का 499 का. चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई आज के सेशन का. फर्स्ट क्वेश्चन देखो. हाँ जी, भारतीय सेना ने पुणे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम बदलकर हाल ही में किसके नाम पे रख दिया है? तो भाई एक स्पोर्ट्स स्टेडियम है यहाँ पर जो कि लोकेटेड है पुणे के अंदर, और उसका नाम रिसेंटली चेंज किया गया है. सो आपको बताना है कि किसके नाम पे ये नाम रखा गया है. जल्दी से बताएं आंसर क्या हो जाएगा आपका. एक सेकेंड, कमेंट्स नहीं देख रहे तुम्हारे, एक सेकेंड रुकना. और प्लीज सेशन के लिंक को एक बार से शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में. यार इतना सा काम आते ही कर लिया करो, तुम लोगों को याद दिलाना पड़ता है बस. ठीक है, नीरज चोपड़ा जी के नाम पर, बिल्कुल सही है भाई. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर. जैवलिन थ्रो प्लेयर और अभी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा जी, तो इनके नाम पर एक स्टेडियम मिलेगा आपको, नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है. ये स्टेडियम जो है आपको पुणे गैंट के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा. तो इनको सम्मानित करने के लिए नीरज चोपड़ा जी के नाम पर ये नाम रखा गया. और नीरज चोपड़ा जी के बारे में तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं. वर्ल्ड में इनकी रैंकिंग दूसरे नंबर पे आई है, और इंडिया में ये दूसरे ऐसे पर्सन बने हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है. ठीक है, इनसे पहले इंडिविजुअल कैटेगरी में सबसे पहले किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में 2008 में जीता था, और नीरज चोपड़ा जी ने दूसरी बार जीता है अभी इंडिविजुअल कैटेगरी में, जैवलिन थ्रो में जीता है. ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है. मैं मेरी याददाश्त कमजोर हो, बादाम खाओ भाई, बादाम खाओ बादाम. ठीक है, रात को भिगो के रखो और सुबह उठ करके खाओ. तो इन्हें यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, खुशी देखो, खुशी देखो. मतलब नीरज चोपड़ा जी ने भी सोचा था वो हीरो बन जाएंगे पूरे देश के.
हाँ अभिनव बिंद्रा, यस 2008 में जीता था इन्होंने। चलिए तो अब जरा जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। इन्होंने भाला फेंका था जो कि ये आपका जो 77.58 मीटर है, ये भाला जो है इतने मीटर तक इसकी दूरी पर गया था। ठीक है चलो। अच्छा अब बात यहाँ पर स्टेडियम की है तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड। सुनो क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, अगर आपसे पूछा जाए विश्व में सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है तो भाई उसका नाम अब क्या कर दिया गया है, मोदी जी के नाम पे रख दिया है। क्या कर दिया है, मोदी स्टेडियम उसको कर दिया गया है, जिसका नाम पहले किसके नाम पे था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे था और इससे पहले इसे मोंटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। ऐप में क्लास नहीं चल रही है, बिल्कुल चल रही है भाई, बिल्कुल चल रही है, अभी आप लोग पहुंचे ही नहीं है। ठीक है चलो। अच्छा आगे सुनो नेक्स्ट क्या है, लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम अगर पूछा जाए तो ये अभी उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है। कहां पर, उड़ीसा के राउरकेला में बनने जा रहा है और इसका नाम जो है वो बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा गया है, जो कि एक फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। इतनी चीजें क्लियर है सबको। चलिए अच्छा आगे सुनो, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम ये आपको कहां मिलता है, दिल्ली के अंदर मिलता है, ये वाला गुजरात में था। ठीक है गुजरात में, ये दिल्ली में मिलता है, इसका नाम चेंज करके किसके नाम पे रखा गया है, तो अरुण जेटली जी के नाम पे रखा है भैया। किसके नाम पे, अरुण जेटली जी के नाम पे रखा गया था। ठीक है जैवलिन थ्रो डे जो कि अभी अनाउंस कर दिया गया है कि अब क्या होगा, हर साल जैवलिन थ्रो डे भी सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये आपका कब सेलिब्रेट किया जाएगा, तो ये जो है 7th of August को हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा। Is that clear to everyone? हाँ भाई हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। गाइज प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो, आज क्लास में बच्चे कम ही जुड़े हैं अभी तक, तो एक बार से जल्दी से शेयर कर दो ताकि बाकी सारे बच्चे भी क्लास में आ जाए। ठीक है चलिए। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय खाद्य पोषण अभियान किसने लॉन्च किया है, ये क्या है, नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन है। तो भाई इस कैंपेन को हाल ही में लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा इसे लॉन्च किया है ये आपको बताना है। चले जल्दी से बताएं आंसर यहां पर क्या होगा। ठीक है ओके। सुनो भाई देखो आप लोगों को क्या करना है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं तुक्का लगाने की बजाय थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, बस किससे रिलेटेड है, फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, तो फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड है तो आप रिलेट करोगे मिनिस्ट्री को, तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं जा रहा आपका, और एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है हमारे वो कौन हो जाएंगे, नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएंगे। तो आंसर क्या चला जाएगा, सीधा सीधा आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए। समझ आया सबको, बिल्कुल सही है। अब सुनो यहाँ पर होगा क्या, ये अभियान जो चलाया जा रहा है बेसिकली एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज बीजों को, बीजों का अच्छा प्रोडक्शन हो, अच्छी उच्च गुणवत्ता वाले जो बीज है उनके लिए, ताकि उनका ज्यादा वो किया जाए, प्रोडक्शन किया जाए उसके लिए। दूसरी चीज जो पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, उसकी कमी की वजह से बच्चों में क्या होता है, बच्चों में और महिलाओं में कुपोषण की बीमारी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भारत को कुपोषण मुक्त करने के लिए भी लॉन्च किया है, भारत को किसके लिए, कुपोषण मुक्त करने के लिए भी लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर ये कुछ पर्पस है जो रखे गए हैं, ठीक है। अच्छा तो लॉन्च किया गया है भाई यहाँ पर, ये नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा इसको लॉन्च किया है, इसमें नए नए बीजों का आविष्कार भी किया जाएगा, ये है इसका मेन पर्पस। अनुराग ठाकुर की बात करते हैं तो ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और आईटी मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास में है, दोनों चीजें याद रखनी है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो जाएंगे और मोदी जी तो मोदी जी है ही फिर। ठीक है आदित्य सिंह बेटा पढ़ाई पर फोकस कर लो थोड़ा सा, और बार बार इतने कमेंट्स मत करो, ठीक है। चले अच्छा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जरा इस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। सुनिएगा ध्यान से, देखो हाँ जी ये कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी है जिन्होंने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है, ये क्या है राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान है जो इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया है। अब क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं पेपर में, सुनो अगर आपसे पूछा जाए विश्व खाद्य पुरस्कार ये 2021 वाला है जो कि किसे दिया गया, शकुंतला नाम याद रखिएगा, शकुंतला थिल्स्टेड इनका नाम है, थिल्स्टेड करके, ठीक है। इन्हें 2021 के लिए ये वाला अवार्ड है जो कि दिया गया है। हाँ इनसे पहले किरण रिजिजू जी थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट सुनो,
नेक्स्ट आपसे पूछा जाए यहाँ पर मोटे अनाज वर्ष, तो देखो भाई यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये मोटे अनाज वर्ष घोषित किया गया था और कौन से वर्ष को घोषित किया था, क्या ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए? हाँ, क्योंकि भाई देखो हम ये पहले भी कर चुके हैं और एक बार नहीं मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो चलो अब तुम बताओगे इसका आंसर कि मोटे अनाज का वर्ष जो है वो किस वर्ष को घोषित किया था, और दलहन वर्ष भी तो घोषित किया था, दलहन वर्ष ये किसको घोषित किया था, 2016 को किया जाता है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है इटली की कैपिटल रोम में मिलता है, और रोम जो है ये कौन सी रिवर के किनारे पर बसा हुआ, 2012 भाई क्या बोला जाए तुमको कसम से ना, यस ये किसने बोला, प्रभाष कुमार, वेरी नाइस। हाँ 2023 होगा सही, सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही, 2023। तो इटली की कैपिटल रोम में है और रोम जो है ये ताइबर नदी के किनारे पर लोकेटेड है। अच्छा स्थापना कब होती है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं 16 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की जाती है, कब की जाती है, 16 अक्टूबर 1945 को, और ये जो है यूनाइटेड नेशंस का ही अंग है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने इसको स्थापित किया था यार, सॉरी ये यूनाइटेड नेशंस की बात कर रही थी यहाँ पे, ये तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपको रोम के अंदर मिलता है और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को होती है, इसी टाइम पर यूनाइटेड नेशंस की स्थापना भी की जाती है, ठीक है। चलो अच्छा 24 अक्टूबर को होती है वो। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, एक होता है वर्ल्ड फूड डे और एक होता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, अगर आपसे सेफ्टी डे पूछा जाए तो ये 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड फूड डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है तो ये जो है आपका 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इतनी चीजें समझ में आई सबको, हाँ जी सारे फैक्ट्स क्लियर हैं, दलहन वर्ष 2016 को, यस शांति का पुरस्कार 2020 वाला ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था रुचि अनिकेत, हाँ ये 2020 वाला दिया जाता है नोबेल पीस प्राइज जो कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। इतने चीजें क्लियर है सबको, चलिए आगे देखते हैं और क्या कौन कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सुनो आपसे पूछा जाएगा जो मधु क्रांति पोर्टल है इसे किसने लॉन्च किया था, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने मधु क्रांति पोर्टल को लॉन्च किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, कृषि मंत्री, यानी कि जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, कौन है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने लॉन्च किया था। मधुमक्खी से बने जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि शहद हो गया तो उसको बेचने के लिए ये एक तरह से पोर्टल था जो कि लॉन्च किया गया था। ओके सुजलम अभियान, इसके बारे में तो हमने कल परसों ही पढ़ा था ना, भूल तो नहीं गए हो, 100 दिनों के लिए ये कैंपेन चलाया गया है और हमारे जो जल शक्ति मंत्री है यानी कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं उनके द्वारा ये कैंपेन चलाया गया है, किसके द्वारा, जल शक्ति मंत्री के द्वारा चलाया गया है, 100 डेज का ये कैंपेन रहेगा और इसके अंदर क्या है, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाया जाएगा सभी विलेजेस को, क्या बनाया जाएगा, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाया जाएगा, बताया था मैंने ओपन डेफिकेशन फ्री क्या होता है, भूल तो नहीं गए ना, वही जो सुबह सुबह लोटा लेकर खेतों में जाते हैं ना जो लोग, उनके लिए यहाँ पर अवेयरनेस का काम किया जा रहा है इस कैंपेन को चलाकर गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, समझ आए सारी चीजें, बिल्कुल भाई। आगे सुनो, दुनिया के सबसे बड़े जीन बैंक का उद्घाटन ये किसने किया, तो ये दिल्ली के अंदर किया गया है और इसका भी जो उद्घाटन है वो हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा ही किया गया है, समझ आया सबको, इसमें क्या है जीन बैंक, यहाँ पर जो उच्च गुणवत्ता के जो बीज होते हैं ना बीज उनको स्टोर करके रखा जाएगा, उनको जैसे कोल्ड स्टोर नहीं होते जैसे कि आप मतलब जैसे कि आलू हो गया मतलब सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह को स्टोर करके रखा जाता है कोल्ड स्टोर में सीजन जाने के बाद भी ताकि वो फ्रेश फ्रेश रहें और सीजन के बाद भी उनको खाया जा सके, तो ऐसे ये जीन बैंक बीज को स्टोर करने के लिए बनाया गया था। जिंदगी खेल बनकर रह जाएगी बेटा, पढ़ लो ठीक है ना सुबह सुबह। चले अच्छा आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज तुम लोग कुछ ज्यादा ही मस्ती कर रहे हो क्लास में, हाँ आज कुछ ज्यादा ही नहीं मस्ती कर रहे हो तुम लोग क्लास के अंदर, चलो ठीक है अच्छी बात है यार ऐसे करते रहो तुम लोग खुश रहो बस और कुछ नहीं चाहिए, हाँ बाकी भगवान का दिया सब है बस तुम लोग खुश रहो हंसते रहो मुस्कुराते रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो किन्हें अपॉइंट किया गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड,
इसके अध्यक्ष के लिए अपॉइंट किया गया है भाई, जल्दी से बताओ इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। एंड प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते चले, कितने कंजूस हो ना तुम लोग कसम से। हाँ देखो भाई ये क्या है गाइस, स्टॉप टीबी, मतलब कि टीबी को रोकने के लिए यहाँ पर एक तरह से पहल चलाई जा रही है। तो जो यहाँ पर स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड है उसके अध्यक्ष यहाँ पर नए अपॉइंट किए गए हैं। आपसे पूछा जाएगा कि किन्हें अपॉइंट किया गया, तो इतनी तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर ही होंगे ना, और जो हेल्थ मिनिस्टर है एट प्रेजेंट में हमारे वो कौन है, ऑप्शन नंबर सी अनुराग ठाकुर। भैया अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर है और आईटी मिनिस्टर है, धर्मेंद्र प्रधान ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, और हर्षवर्धन ये पहले हमारे क्या थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, और अब हेल्थ मिनिस्टर कौन बन गए हैं आपके, मनसुख मंडाविया जी बन गए हैं। कौन है ये, हेल्थ मिनिस्टर है, ये हो जाएंगे आपके हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा लॉन्च के आंसर, इन्हीं के इनको यहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया है, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया है। ये यहाँ पर क्या काम कर, हर्षवर्धन की जगह अपॉइंट के ध्यान रखिएगा, 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया और इनको। ठीक है, तो यह है जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है जो कि क्या काम करेगा, टीबी के खिलाफ यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आयोजित ये क्या है, एक कार्यक्रम है। ठीक है, जिसके अध्यक्ष यहाँ पर अपॉइंट किया गया है इनको। समझ में आया सभी को क्वेश्चन, ओके चलो अब जानते हैं इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है यहाँ पर, सुनो। हाँ भाई देखो, अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड टीबी डे के बारे में, तो वर्ल्ड टीबी डे जो है ये 24 मई को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, जिसमें टीबी को लेकर क्या अवेयरनेस फैलाई जाती है, क्या फैलाई जाती है, अवेयरनेस, बिल्कुल सही है। अच्छा टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है, मतलब उन्मूलन होता है जड़ से खत्म कर रहा है किसी भी चीज को, तो ये लक्ष्य जो रखा गया वो 2025 तक का रखा है। अगर हम मलेरिया की बात करते हैं, मलेरिया के उन्मूलन का लक्ष्य, मैम थोड़ा सा तेज पढ़ाओ, भैया तेज पढ़ाते तो तुम कहते हो मैडम धीरे पढ़ाओ, धीरे पढ़ाते तो कहते तेज पढ़ाओ, क्या चाहते हो तुम लोग, भगवान उठा ले मुझे, हाँ ऐसे मत करो यार। चलो मलेरिया के उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक का रखा है। रेबीज फ्री स्टेट हाल ही में कौन सा बन गया है, गोवा, कौन सा बना है, गोवा बन गया है भाई। सिंड्रोम वायरस ये हाल ही में एक कंट्री के अंदर पाया गया है, और अगर इस वायरस की बात करते हैं तो क्यूबा के अंदर जो उसके कैपिटल है हवाना, हवाना में ये अभी देखने को मिला है, क्यूबा के हवाना में, जिसे क्या कहा जाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है। समझ आया यहाँ तक सबको, बिल्कुल सही है। चलो हाँ भाई, राधे राधे श्याम श्याम सभी को। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, अगली न्यूज देखते हैं यहाँ पर क्या है। कजाकिस्तान, कभी तो आ जाता है अफगानिस्तान तो कभी कजाकिस्तान, बस यही तो रह गया है ना, डेली कोई ना कोई कांड इन कंट्रीज में होता ही रहता है, चाहे तो अफगानिस्तान हो गई, कजाकिस्तान हो गया। अब देखो भाई यहाँ पर कौन सा कांड हो गया है कजाकिस्तान में, जरा चर्चा कर लेते हैं, सुनो ध्यान से। दक्षिण कजाकिस्तान में विस्फोट में 4 सैनिकों की मौत हो गई है और 60 से अधिक लोग हैं जो कि यहाँ पर घायल हो गए हैं। और ये जो विस्फोट हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, आपका कजाकिस्तान के अंदर हुआ है। एग्जाम में क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं, पहली चीज तो ये, इसके ऊपर ये भी बहुत सारी जगह आप लोगों ने न्यूज चैनल पर सुना होगा कि अटैक हुआ है, अटैक हुआ है, तो बोला तो ये भी जा रहा है कि यहाँ पर अटैक हुआ है, लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि वो अटैक किसी और ने नहीं करवाया है, यहाँ पर एक घटना ही घटित हुई है। मतलब एग्जैक्टली सिचुएशन यहाँ पर क्या है ये अभी किसी को भी नहीं पता, मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो चीजें बताई जा रही है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। सुनो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ इंजीनियरिंग विस्फोटक रखे हुए थे, कुछ इंजीनियरिंग विस्फोटक यहाँ पर रखे हुए थे, और आग लग जाने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हो गया है। और ये जो विस्फोट अचानक से हुआ जिसमें काफी सारे लोगों की जान चली गई थी, 4 सैनिक तो मर गए थे और 60 से अधिक लोग है जो कि इसमें घायल हो गए थे, वाउंडेड। ठीक है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो पर्टिकुलर ये जो हुआ है वो कौन सी वाली जगह पे हुआ है, ये जो विस्फोट हुआ है यहाँ पर एक मिलिट्री कैंप आपको देखने को मिलता है, क्या यहाँ पर ये जो अटैक हुआ ना ये एक मिलिट्री कैंप है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो इमेज में, तो यहीं पर ये अटैक हुआ है भाई। सो एग्जैक्ट लोकेशन भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्वेश्चन में देखो क्या बन सकता है कि कजाकिस्तान के किस स्थान पर ये मिलिट्री अटैक हुआ है। वैसे ये अटैक नहीं है, ये एक आप ये कहोगे कि ये विस्फोट हुआ है, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि बाहर से किसी ने अटैक किया है इस पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज क्लियर अभी तक नहीं हुई है। हाँ जी, हर घर जल योजना के लिए, हाँ बिल्कुल 2024 है,
हर घर में जल पहुंचाने का लक्ष्य। ठीक है यार, कहाँ भटकते रहते हो यार तुम, इधर कजाकिस्तान घूम रहे, तुम हर घर जल योजना में घूम रहे हो यार, ऐसे मत करो यार, थोड़ा जब क्वेश्चन चल रहा होता है उस पर डिस्कशन किया करो। आगे सुनो भाई, ये जो जगह आपको देखने को मिलती है ये कौन सी, जम्बाइल एक जगह है और यहीं पर आपका एक क्या है लगा हुआ था, यहीं पर एक मिलिट्री कैंप लगा हुआ था और ऐसा बोला जा रहा है कि इस मिलिट्री कैंप में ही यहाँ पर क्या थे, इंजीनियरिंग विस्फोटक कुछ रखे गए थे और यहीं पर इन्हीं विस्फोटक की वजह से आग लग जाती है और आग लगने की वजह से ये घटना है जो यहाँ पर घटित हुई थी, जिसमें 4 सैनिक यहाँ पर मारे गए थे। तो ये जम्बाइल वाली जगह है गाइस, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर जगह पूछी जाए तो कौन सी है, जम्बाइल वाली ये जगह है। ठीक है, तो यहीं पर आग लगने की वजह से ये घटना घटित हुई थी। चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, सुनो। और प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर करते चले, आज क्लास में थोड़े से बच्चे मुझे कम लग रहे हैं। आज क्या है, जन्माष्टमी पे कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है क्या, हाँ, या फिर जन्माष्टमी फास्ट करके रखे सब लोग। चलो आगे सुनो, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ सेंट्रल एशिया, अगर पूछा जाए कि सेंट्रल एशिया की जो सबसे बड़ी कंट्री है ये कौन सी हो जाएगी, तो बिल्कुल ये आपके तजाकिस्तान है, कौन सी है, तजाकिस्तान ही हो जाएगी। ठीक है, इसके जो पुरानी कैपिटल थी वो अस्ताना थी और जो न्यू कैपिटल बनाई गई है वो किसको, नूर सुल्तान को बनाया है। ओल्ड कैपिटल भी ध्यान रखिएगा, अस्ताना जो है वो इसकी पुरानी कैपिटल कही जाती है। काजिंद 21 ये वाली एक्सरसाइज है जो हाल ही में हमने किसके साथ में किए, कजाकिस्तान के साथ में किए, कौन सी एक्सरसाइज है, काजिंद 21 एक्सरसाइज है और इसको, इससे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये कि ये जो एक्सरसाइज है वो कहाँ पर कंडक्ट की गई है, तो कजाकिस्तान के अंदर एक जगह देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है, आयशा बीबी, यहाँ पर कंडक्ट किया गया। इंडिया की तरफ से कौन सी रेजिमेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए गई है, तो इंडिया की तरफ से यहाँ पर बिहार रेजिमेंट इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए गया है, कौन, बिहार रेजिमेंट यहाँ पर गया है, तो बिहार वालों के लिए एक बार से जोरदार तालियां हो जाए, है कि नहीं। गुड मॉर्निंग भाई, लेट से जो बच्चे आ रहे हैं टाइम से आ जाया करो यार, तुमको पता है क्लास का टाइम, फिर काहे इतना लेट करते हो, टाइम से आ जाया करो, ठीक है ना। चलो आगे समझते हैं, नेक्स्ट आपकी न्यूज क्या है, नेक्स्ट न्यूज सुनो, क्यूबा टू रिकॉग्नाइज एंड रेगुलेट क्रिप्टो करेंसीज। भैया क्रिप्टो करेंसी आज के टाइम पर बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, जिस देश को देखो क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहा है, लेकिन क्यूबा एक ऐसी कंट्री है जो कि ये कोशिश करती है कि जो चीज चलन में चल रही सब लोग यूज कर रहे हैं हम उसमें पीछे ना रह जाएं भाई। तो यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी का चलन आज के टाइम पे चल रहा है, बस इसी वजह से यहाँ पर क्यूबा ने भी क्या कह दिया कि हमारे जितने भी आइलैंड्स हैं हम उनके ऊपर क्या करेंगे, सभी पर, मतलब पूरी कंट्री में अब क्रिप्टो करेंसी को लीगल करेंसी घोषित इन्होंने कर दिया, अब यही लॉन्च किया जाएगा। अब पहली चीज तो ये समझो कि जो क्रिप्टो करेंसी आपकी होती है, क्रिप्टो करेंसी ये एक तरह से क्या होती है, वर्चुअल करेंसी होती है। मतलब क्या है इसका, मतलब आप इसे छू नहीं सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। ये एक डिजिटल करेंसी होती है जिसका लेन देन सारा किसमें होता है, डिजिटल में होता है। चीनी का कटोरा बिल्कुल क्यूबा को कहा जाता है, भावनाएं देखो इनकी कैसे बह रही हैं, कसम से, हाँ देख लिए भाई तुम्हारा कमेंट, ठीक है बिल्कुल सही। आगे सुनो, ये एक ऐसी करेंसी होती है जो कि बेसिकली सिर्फ डिजिटली रूप में इसको लॉन्च किया जाता है। अब देखो आपसे क्वेश्चंस यहाँ पर क्या क्या पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड, सुनो, क्रिप्टो करेंसी क्यूबा ने लॉन्च कर दिया, अभी तक क्यूबा के अंदर कौन सी करेंसी चल रही थी, क्यूबन पेसो चल रही थी, डॉलर भी यहाँ पर चल रही थी क्योंकि यूएस डॉलर सबसे ज्यादा कंट्रीज में यूज किया जाता है, तो इसने भी इसको वो किया हुआ था, लीगल किया हुआ था, ठीक है। चलो अच्छा, सो अब हुआ क्या है, अब जो क्यूबा का सेंट्रल बैंक है उसको अब वो फ्री हो चुका है क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने के लिए, मतलब यूज करने के लिए, तो यहाँ का जो सेंट्रल बैंक है अब वहां पर यूज की जाएगी ये वाली करेंसी। आपसे पूछा जा रहा है कि जो करेंसी है कौन सी, क्रिप्टो करेंसी जो है इसकी जो शुरुआत होती है वो किसके द्वारा की गई थी, तो सतोशी नकामोटो इनका नाम हो जाएगा, क्या नाम है, सतोशी नकामोटो इनका नाम है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये जापान से बिलोंग करते हैं। क्रिप्टो करेंसी में सबसे पहले जो करेंसी लॉन्च की जाती है वो कौन सी थी, बिटकॉइन थी, सबसे पहले बिटकॉइन को लॉन्च किया था और जो बिटकॉइन है वो सबसे पहले आपकी 2009 के अंदर लॉन्च की थी, कब, 2009 में इसे लॉन्च किया गया था, हाँ बिल्कुल सही है। आगे सुनो, किस देश में क्रिप्टो करेंसी बैन है, आपको क्या लगता है कौन सी वाली कंट्री है जिसमें क्रिप्टो करेंसी को बैन किया हुआ है, तो फिलहाल तो देखोगे यहाँ पर इंडिया है, इंडिया,
हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी जो है उसको यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है, उसको इलीगल माना जा रहा है एट प्रेजेंट में, लेकिन इन फ्यूचर के लिए अनाउंसमेंट कर दिया गया कि इन फ्यूचर जो है इसको खोल दिया जाएगा, मतलब इन फ्यूचर इंडिया के अंदर भी आपको क्रिप्टो करेंसी देखने को मिलेगी, तो मतलब आप भी इसका यूज कर सकते हो, फिर आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकलेगा, ठीक है, पैसा नहीं निकलेगा, ये सिर्फ डिजिटल फॉर्म में रहेगी, आपको कोई भी लेन देन करना है तो ये डिजिटली रहेगा। चलो अच्छा आगे सुनो, क्यूबा के हवाना में कौन सा वायरस है जो हाल ही में पाया गया है, तो ये कौन सा वायरस हो जाएगा भाई, आपका सिंड्रोम वायरस है जो हाल ही में पाया गया। अल सल्वाडोर एक ऐसी कंट्री है जो रिसेंटली क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने वाली, मतलब इसने लीगल कर दिया है क्रिप्टो करेंसी को, ठीक है, किसको लॉन्च कर दिया है इसने, क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया है, लीगल कर दिया है यहाँ पर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। सुपर चैट, हाँ बिल्कुल दे सकते हो, ऑप्शन मिलेगा नीचे है, देखो डॉलर का है, ठीक है ना, तो दे सकते हो बिल्कुल सुपर चैट, आपकी इच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस और देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है। सुनो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, जलियांवाला बाग के पुनर्निर्मित परिसर का आभासी उद्घाटन किसने किया है, ये वर्चुअली किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ पर ये उद्घाटन किया गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि ये घटना है कब घटित होती है, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटित होती है, और यहाँ पर क्या हुआ है, अभी जो है एक आभासी उद्घाटन यहाँ पर किया गया है, ठीक है, तो जल्दी से बताओ कि ये जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है। हाँ जी ओके क्या बात है मोदी जी बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस। तो देखो गाइस ये जो उद्घाटन है वो वर्चुअली किया गया है और किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अभी कब किया है ये, 28 अगस्त की बात है, यानी कि परसों की ही बात है। उद्घाटन किया है, इसमें क्या है, इसमें लाइट एंड साउंड शो किया गया है, मतलब कि बहुत ही अच्छी तरीके से इसको एक तरह से आप डेकोरेट कह सकते हो किया गया है। और इसके अंदर क्या क्या है, 4 म्यूजियम है जिनका उद्घाटन किया है, और इन 4 म्यूजियम्स में एक स्मारक भी देखने को मिलता है जिसका निर्माण वेस्ट चीजों से किया गया था, जो रीयूजेबल चीजें होती है ना उनसे यूज किया गया था, तो इसको भी यहाँ पे इस म्यूजियम के अंदर दिखाया जाएगा। Is that clear to everyone? हाँ, मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है यहाँ पर, तो इसमें क्या दिखाया जाएगा, ये जो म्यूजियम्स यहाँ पर उद्घाटित किए जा रहे हैं, इन म्यूजियम्स के अंदर ये दिखाया जाएगा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उस वक्त कितने लोग मारे गए थे, लोगों ने क्या क्या चीजें फेस की थी, वहां उस टाइम पर क्या सिचुएशन क्रिएट हुई थी, ये सारी चीजें डिटेल में इस म्यूजियम के अंदर यहाँ पर दिखाई जाएंगी, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सुनो जलियांवाला बाग हत्याकांड से सारी चीजें क्लियर है ना सभी को, आई होप इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बट स्टिल मैं एक बार छोटी सी कहानी पूरी आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या था। देखो भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि वैसाखी वाले दिन हुआ था, और इस दिन क्या हुआ था, वैसाखी वाले दिन यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 की बात है, एक एक्ट लाया गया था, ये बात कब की है, ये जो बेसिकली 6 अप्रैल को, ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 की बात है, एक एक्ट लाया जाता है जिसको रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया, और उसी को काला कानून भी कहा जाता है। काला कानून कहा जाता है इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, बस मतलब कोई बेल भी नहीं हो सकती है। तो ये जो रॉलेट एक्ट लाया जाता है इसी का विद्रोह किया गया था, और जिसके चलते यहाँ पर क्या होता है, इस विद्रोह के चलते ये सारा कांड यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो विद्रोह था वो किसके खिलाफ था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। आपसे पूछा जाएगा कब लाया गया था, तो ये 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट लाया जाता है, और इसके बाद यहां पर क्या होता है कि इसका विरोध करने के लिए अमृतसर में एक सभा बुलाई जाती है। आपसे पूछा जाए ये सभा किसने बुलाई थी, सत्यपाल और साफिदून किचलू ने सभा बुलाई थी, जिसमें महात्मा गांधी जी को भी इनवाइट किया गया था, बट वो पहुंच नहीं पाए थे। तो उसी वक्त जैसे ये सभा अमृतसर में बुलाई जाती है, तो जो जनरल आर डायर थी उन्होंने यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, और उसके बाद यहाँ पर 1000 की संख्या में लोग हैं जो कि मारे गए थे, और उनकी जो सारी लाशें थी वो कुएं के अंदर डाल दी गई थी। तो ये पूरी घटना के बाद इंडियंस जो है, अब उनका तो गुस्सा भड़कना था, तो इंडियंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिशर्स से कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने कहा भाई ठीक है, तो उन्होंने एक समिति स्थापित की, एक कमीशन लेकर आए जिसको नाम दिया गया हंटर कमीशन,
ठीक है, जिसको नाम दिया गया क्या, हंटर कमीशन। ये जो कमीशन लाया गया था ये इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए लाया जाता है। और इसके बाद में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने कहा कि नहीं कुछ खास नहीं हुआ है, 100-200-300 लोग मारे गए हैं और कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे करके उन्होंने इस पूरे चीज को टाल दिया। तो इंडियंस को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और उन्होंने यहां पर क्या किया कि ठीक है हम ही करेंगे सारी इन्वेस्टिगेशन, और इंडियंस के द्वारा ही मिल करके एक समिति बनाई जाती है जिसे नाम दिया गया था तहकीकात समिति, जिसे क्या नाम दिया गया, तहकीकात समिति इसे नाम दिया गया। और इसमें पूरे मामले की जांच की गई थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो तहकीकात समिति है इसे किसने हेड किया था, अगर आपसे पूछा जाए किसने यहां पर हेड किया था तो तेज सप्रू जी ने किया था। किसने, तेज सप्रू ने इसे हेड किया था। इतनी चीजें क्लियर है सबको, हाँ जी। तो ये था पूरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, किस एक्ट के विरोध में ये पूरा कांड होता है, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में ये पूरा कांड होता है। अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो जरा एक बार हम लोग देख लेते हैं, सुनो। हाँ जी, मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है ये आपका कार्यक्रम, ठीक है, चलो। अच्छा सुनो, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था ये आप सभी को पता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है, तो देखो रॉलेट एक्ट जो आपका आता है जो कि 6 अप्रैल 1919 को आया था, इसे और किस नाम से जाना जाता है, इसे काला कानून कहा जाता है। काला कानून मतलब एक ऐसा कानून जिसमें आप कोई दलील पेश नहीं कर सकते हो, आप कोई वकील हायर नहीं कर सकते हो, आप जमानत तक नहीं करवा सकते हो। तो इसी ये जो कानून यहाँ पर लाया गया था इसी के विरोध में यहाँ पर ये पूरा कांड आपका हुआ था। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि हंटर कमीशन जो है ये कब बनाया गया था, तो 14 अक्टूबर 1919 में हंटर कमीशन लाया जाता है। और ये कमीशन क्यों लाया गया था, जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इस पूरे केस के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंडियंस की डिमांड पर ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था हंटर कमीशन, लेकिन इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया था। आगे सुनो, तहकीकार समिति ये कौन लेकर आया था, इंडियंस लेकर आए थे तहकीकार समिति जिसे तेज सप्रू जी के द्वारा हेड किया गया था। किसे, तेज सप्रू जी के द्वारा इसे हेड किया गया था। इतनी चीजें क्लियर है सबको, हाँ जी। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैंने पूरी हिस्ट्री तक आपको बता दी है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, क्यों होता है, क्या क्या चीजें इसमें हुई थी, ठीक है। चलिए अब जरा बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। सुनो, काकोरी रेल कांड ये कब हुआ था भाई, ये आपका होता है 9 अगस्त 1925 में होता है, ठीक है। तो ये वाला जो ट्रेन कांड हुआ था इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है योगी जी के द्वारा, और नाम चेंज करके क्या कर दिया है, रेल कांड की जगह पे यहाँ पे ट्रेन एक्शन कर दिया गया है भाई, क्या कर दिया है, ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अच्छा पता चले जलियांवाला बाग हत्याकांड अगर ये अमृतसर में ना हो करके ये हत्याकांड अगर योगी जी की नगरी में हुआ होता तो इसका भी कांड का नाम जो है क्या हो चुका होता है, अब तक तो जलियांवाला बाग एक्शन हो चुका होता है ना। चलो अच्छा आगे सुनो, साइमन कमीशन भारत कब भेजा जाता है, तो ये बात है 1928 की जब साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था, ठीक है। स्वराज शब्द की शुरुआत जो है ये किसने की थी और कब की थी, तो देखो स्वराज शब्द की जो शुरुआत है वो दादाभाई नौरोजी के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है स्वराज शब्द की शुरुआत। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कब की गई थी, किसने की थी, बस यही पूछा जाएगा किसने की थी, कब की गई थी, इतना डाटा याद नहीं रहता यार, एग्जाम में इतना टिपिकल पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। चलो अच्छा आगे पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि लुटा दी थी, तो यहाँ पर हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे जिन्हें नाइटहुड की उपाधि दी जाती है, लेकिन इस पूरे हत्याकांड के बाद में वो बहुत निराश होते हैं, बहुत ही नाराज होते हैं ब्रिटिशर्स से, और ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई जो उपाधि थी नाइटहुड की वो उन्होंने लुटा दी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, रविंद्रनाथ टैगोर इज योर करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे सुनो, भगत सिंह और बीके दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किस बिल के विरोध में बम फेंका था, यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया था, देखो भगत सिंह और बीके दत्त की बात करते तो 8 अप्रैल 1929 की बात है, कब की बात है, 8 अप्रैल 1929 की बात है, एक बिल लाया जाता है और उस बिल का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल, उसका नाम क्या था, उसका नाम था यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी बिल, और ये जो बिल लाया गया था इसका विरोध कर रहे थे हमारे इंडियंस, और इसी के विरोध में भगत सिंह और जो बीके दत्त है उन्होंने क्या किया था, जो केंद्रीय सभा ब्रिटिशर्स की चल रही थी वहां पर जाकर के इन्होंने यहाँ पर बम फेंक दिया था। तो ये पूरा कांड जो होता है वो कब होता है, 8 अप्रैल 1929 को होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने
बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कस की। अब एग्जाम में भैया ये उद्घाटन आए चाहे ना आए, लेकिन इतने सारे फैक्ट्स जो हमने डिस्कस किए यहाँ से पेपर में छपेगा ही छपेगा, 100% कुछ ना कुछ छपेगा पेपर में, मानते हो कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम इससे रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। अब जरा बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड गाइज प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते हुए चलना। चलो एक काम करते हैं, टारगेट रखते हैं 400 लाइक्स का, ज्यादा नहीं दे रही, पहले 400 लाइक्स का टारगेट है, तो जल्दी से करके ये आपको अचीव करना है, ठीक है। स्पीड बढ़ाओ मैम, कभी बढ़ाओ मैम, कभी घटाओ मैम, हे भगवान उठा ले मुझे। नलायको तुम लोग क्या चाहते हो यार, हाँ क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे। चलो सर अगला क्वेश्चन, दिल्ली में मेंटरशिप पहल के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया। दिल्ली के अंदर क्या किया गया, एक मेंटरशिप पहल लॉन्च की गई है, किसके द्वारा, केजरीवाल जी के द्वारा लॉन्च की है। तो यहाँ पर ये जो मेंटरशिप पहल लॉन्च की है इसके जो एम्बेसडर बनाए गए हैं वो किन्हें, क्या बात है क्या बात, सोनू सूद बहुत ही अच्छा। सोनू सूद जो आज के टाइम पर सबके मसीहा बने हुए हैं, तो इन्हें को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर। अब ये क्या काम करेंगे, सुनो इनका जो यहाँ पर काम होगा वो यहाँ पर क्या काम होगा, ये कहा जा रहा है कि जो स्कूल के बच्चे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो गया, चाहे वो आपका प्राइवेट स्कूल हो गया, चाहे वो कॉलेज हो गया, तो स्कूल या कॉलेजेस के जो भी बच्चे हैं, ठीक है, स्कूल के जो भी बच्चे हैं या कॉलेज के जो भी बच्चे हैं, उन सभी को ये अपना कीमती समय निकाल करके और 10 मिनट का समय देंगे। कितने मिनट, सिर्फ 10 मिनट का समय देंगे, जिसमें क्या करेंगे, जिसमें ये इनकी काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग समझते हो ना क्या होता है, मतलब उनको ये बताएंगे कि आपके फ्यूचर के लिए आपको क्या करना चाहिए, आगे आपको मतलब आपके भविष्य के लिए आपको क्या आगे, एक होता ना 10th 12th के बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन सा स्ट्रीम में जाए, तो करियर काउंसलिंग करेंगे ये इनके, क्या करेंगे, करियर काउंसलिंग करेंगे, इनको थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे। तो 10 मिनट का समय हर एक बच्चे के लिए यहाँ पर ये निकालेंगे और इसके लिए सोनू सूद जी को यहाँ पर एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। हाँ जी, आंसर समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया सभी को, 10-10 मिनट का समय देंगे, बिल्कुल। तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या आप कर सकते हो लाइफ में, इस चीज को लेकर करियर काउंसलिंग यहाँ पर इनके द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा, सोनू सूद जी के द्वारा यहाँ पर की जाएगी। आपसे पूछा जाएगा ये अभियान किसने लॉन्च किया है, भैया देख रहे हो यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर, ऐसा लग रहा है किसे डरे से सहमे से बैठे हुए, हाँ बट ऐसा नहीं है, दिल्ली के सीएम, समझते हो, दिल्ली के सीएम। तो भैया इन्होंने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं, एग्जाम में देखो क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। सुनो पंजाब का स्टेट आइकन ये कहना अपॉइंट किया था, तो यहां पर भी आपके सोनू सूद जी थे जिन्हें पंजाब का स्टेट आइकन अपॉइंट किया गया था। एसर के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद हो जाएंगे, स्पाइस मनी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये भी कौन हो जाएंगे, सोनू सूद हो जाएंगे। रेडमी एंड एमआई के ब्रांड एम्बेसडर भी सोनू सूद जी को ही बनाया गया था। विश्वनाथन आनंद ये कहां से आ गए, हाँ यार मतलब तुम कहां घूमते रहते हो, हम सोनू सूद की बात करें और इनको देखो, ये हमारे ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद पर पहुंच गए हैं। भैया एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसे मत कहीं भी पहुंच जाओ, ठीक है, जैसे चल रहे हैं ना वैसे चलो सीरीज में। आगे सुनो क्या क्या पूछा जा सकता है, आप दिल्ली की बात करेंगे, चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अगर आपसे पूछा जाए तो ये किन्हें अपॉइंट किया जाता है, कर्णम मल्लेश्वरी को अपॉइंट किया जाता है। और जो कर्णम मल्लेश्वरी जी है इन्होंने ओलंपिक्स में पहला मेडल जीता था, किसमें, वेट लिफ्टर में, ठीक है, तो ये जो है वेट लिफ्टर है और फिलहाल इन्हीं को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। वेट लिफ्टर के स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया यार, प्लीज एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलो खतरनाक सीएम है, अरे बाप रे खतरनाक, तो तुम्हारी टिप्पणी है इनको लेकर के। चलिए अच्छा अगला पॉइंट समझो यहाँ पर क्या है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, ये किसने स्टार्ट किया था, दिल्ली के द्वारा ही स्टार्ट किया जाता है। मुख्यमंत्री परिवार आर्थिक सहायता योजना केजरीवाल ने स्टार्ट की थी, कोविड से रिलेटेड योजना है, कोविड से जो लोग जिनके घरों में डेथ हो गई है या फिर जो बीमार है उनको फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए। ओल्ड नेम ऑफ दिल्ली अगर आपसे पूछा जाए, पुरानी को नहीं, दिल्ली का पुराना नाम क्या था, दिल्ली को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। कुछ बच्चे दिल्ली आंसर कर रहे हैं, मतलब यार कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि किस गोले से आते हो तुम लोग, हाँ क्या खा के आते हो सुबह सुबह। ललिता का आंसर बिल्कुल ठीक है, इंद्रप्रस्थ कहा जाता था,
पहले दिल्ली को क्या कहा जाता था, इसका जो पुराना नाम होता था वो इंद्रप्रस्थ होता था, ठीक है। और जो दिल्ली की स्थापना है ये 1911 में की जाती है, लेकिन अनाउंस कब होता है, ये 1912 में, मतलब घोषित हुआ था 1911 में, लेकिन ये दिल्ली कब बन जाती है, 1912। अगर पूछा जाए किसने दिल्ली की स्थापना की थी, तो याद रखना अनंग पाल तोमर के द्वारा की जाती। किसके द्वारा? अनंग पाल तोमर जी थे जिन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का जो दर्जा दिया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये कब दिया था, मतलब कि दिल्ली को जब एनसीआर में शामिल किया गया था तो ये कब किया जाता है, तो इसका आंसर कौन बताएगा, कौन बताएगा भाई इसका आंसर? देखो 69th अमेंडमेंट एक्ट आता है, 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 आता है, जो कि लॉन्च किया गया था, और उसके बाद 1992 में इसे लागू कर दिया जाता है, जिसके तहत दिल्ली को एनसीआर में शामिल किया गया था। मैम बीच बीच में किधर जाता है, क्या जाता है, बीच बीच में किधर क्या चला जाता है भाई, नेट चला जाता है क्या यार, तुम अपना फोन चेंज करो, ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल सही है, चलो आगे देखते हैं, आगे देखो और क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अच्छा खत्म हो गया, चलो एक और चीज सुनो फिर, जो दिल्ली हाई कोर्ट है, आप सभी को पता है कि दिल्ली का खुद का हाई कोर्ट है, और ये कब बनाया जाता है, तो 1966 के अंदर बनाया जाता है दिल्ली का खुद का हाई कोर्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली को कैपिटल कब बनाया था, तो ये 1956 में बना था दिल्ली को राजधानी, भारत की राजधानी 1956 में घोषित कर दिया जाता है। इतनी चीजें क्लियर है सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सुनो भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। नो साउंड, क्या बात कर रहे हो, साउंड आ रही है ना गाइस, एक बार से बताओ प्लीज, साउंड आ रही है ना, कुछ बच्चे नालायक हैं ऐसे ही बोलते रहते हैं। हाँ जी साउंड आ रही है ना, बीच बीच में चला जाता है, नेट चला जाता है। सुनो आगे, जहाज विग्रह हाल ही में किस देश के कोस्ट गार्ड को सौंपा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहाज विग्रह एक नया शिप है जो कि अभी बनाया गया है, और ये जो शिप है वो कोस्ट गार्ड को सौंप दिया गया है, तो कौन सी वाली कंट्री ने इसको बनाया है, क्या बात है, आंसर कौन देगा इसका, यूएसए। अच्छा जी यूएसए आंसर कर रहे हो, चलो कुछ का यूएई भी आंसर, मतलब भारत पे भरोसा नहीं तुम लोगों को, इंडिया पे भरोसा नहीं है क्या यार, इंडिया इसका आंसर है, कमाल करते तुम लोग कसम से। सुनो इंडिया में क्या हुआ है, इंडिया की अंदर एक शिप है जहाज विग्रह इसका नाम है इस शिप का, और ये जो है 7th नंबर का वेसल है, क्या है, 7th नंबर का वेसल है, जो कि अभी इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंप दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया है, तो इसका उद्घाटन हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसको कहां पर कमीशन किया जाएगा, कहां पर कमीशन किया जाएगा, यानी कि कहां इसको तैनात किया जाएगा, तो चेन्नई के अंदर इसे तैनात किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसे बनाया कहां पर गया है, तो इसे कहां पर बनाया गया है, तो ये आपको याद रखना है, ये जो है आपका विशाखापत्तनम के अंदर बनाया गया है, कहां पर, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इसे बनाया गया है। इतनी चीजें क्लियर है, डी ऑप्शन है सही। बेटा तुमको किस गोले पर भेज दे ये बता दो, हाँ इस गोले के तो नहीं हो तुम, कहां भेज दे तुमको, चेन्नई, हाँ चेन्नई में इसे कमीशन किया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, जहाज का नाम क्या विग्रह है, और ये 7th नंबर का वेसल है जो लॉन्च किया गया है, इसका उद्घाटन जो है वो राजनाथ सिंह जी ने किया है, कमीशन कहाँ पर किया जाएगा इसको, चेन्नई में कमीशन किया जाएगा, और इसे बनाया किसके द्वारा गया है, तो विशाखापत्तनम के अंदर इसे बनाया गया है, ठीक है, विशाखापत्तनम के अंदर इसे बनाया गया है, ये चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है, समझ में आया सबको इतनी चीजें, ओके। अगर आपसे पूछा जाए इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो भाई 98 मीटर है जो कि इसकी लेंथ हो जाएगी, कितनी 98 मीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। और इसकी स्पेशलिटी, यार इमेज नहीं लगाई क्या यार, इससे कैसे हो सकता है यार, ये कंटेंट मैनेजर ना आजकल बहुत ही गड़बड़ करने लगे। अच्छा सुनो भाई, अगर आपसे पूछा जाए लेंथ कितनी, तो 82 मीटर इसकी लेंथ है, और इसकी स्पेशलिटी पूछा जाए तो इसके अंदर रडार लगा हुआ है, रडार पच प्लस इसके अंदर नेविगेशन सिस्टम भी लगा हुआ है, जो कि एज कंपेयर टू अदर शिप्स काफी ज्यादा मजबूत बताया जा रहा है इसका जो नेविगेशन सिस्टम है। प्लस एक और चीज बताई जा रही कि इसके ऊपर जो है आपका क्या बोलते हैं, बॉफगन जो जो पिस्टल होती है, जो बंदूक होती है, वो भी यहाँ पर लगाई गई है, कौन सी, बोफोर्स गन, ठीक है, बोफोर्स गन जो बंदूक है वो भी लगी हुई है। अच्छा इंजन कितने लगे हुए, 2 इंजन हैं जो कि इसके अंदर लगे हुए। तो ये कुछ इसकी खास चीजें हैं, इसकी इसकी विग्रह की कुछ खास चीजें हैं।
चलिए आगे समझते हैं। अच्छा, इंडियन कोस्ट गार्ड डे अगर आपसे पूछा जाए तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये जो है आपका 1 फरवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। हैप्पी बर्थडे मैम। आज मैम का हैप्पी बर्थडे नहीं है भाई, आज कृष्णा जी का हैप्पी बर्थडे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे, कि जो शिव विग्रह है इसे कहाँ पर बनाया गया है, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इसे बनाया गया है। और इसे कमीशन किया कहाँ किया जाएगा, तो ये चेन्नई के अंदर कमीशन किया जाएगा। नेक्स्ट सुनो, किस राज्य की कंपनी ने इकोनॉमिक एक्सप्लोजर लिमिटेड ने सेना को 1,00,000 हैंड ग्रेनेड सौंप दिए हैं, तो ये महाराष्ट्र की कंपनी है नागपुर की। ये हैंड ग्रेनेड्स हैं, इनके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये मैं रिविजन के लिए रख लेती हूँ ताकि बीच बीच में रिविजन होता रहे, वरना तुम्हारा पता है ना सिर्फ एक्सेल की सफाई होती है, पीछे पीछे सारा साफ होता जाता है। विग्रह नाम है विग्रह। ठीक है सौरभ जी, आगे सुनो, भारतीय नौसेना को मुंबई ने प्रोजेक्ट 75 के तहत अपने तीसरे स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी थी, तो ये इस जो पनडुब्बी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी हो जाएगी भाई, ये कौन सी पनडुब्बी है जो कि यहाँ पर सौंपी गई थी। ये एक आईएनएस है और इसका नाम हो जाएगा आईएनएस करंज। कौन सी आईएनएस करंज है जो कि यहाँ पर सौंपा गया था। कॉन्कर एक्सरसाइज जो कि हमने कौन सी वाली कंट्री के साथ में की थी, यूके के साथ में। अच्छा कौन सा आईएनएस है जिसने कॉन्कन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था, तो आईएनएस तबर हो जाएगा आपका आंसर। क्या होगा, आईएनएस तबर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है ना, चलो अच्छा आगे सुनो और देखो क्या क्या फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। सुनो आगे, कॉर्पोरेट एक्सरसाइज में किस आईएनएस ने पार्टिसिपेट किया था। पहले तो समझो जो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज है वो किसके साथ में कंडक्ट की गई थी, तो ये होती है आपके इंडोनेशिया के साथ में। और इसमें कौन सा आईएनएस गया था, तो इसमें जो है आपका आईएनएस सरयू है जिसने पार्टिसिपेट यहाँ पर किया था। ठीक है नेक्स्ट सुनो, शेयर्ड डेस्टिनी 2021 किन देशों के बीच में कंडक्ट की जा रही है, तो इसमें आपको 4 कंट्रीज देखने को मिलती है, चाइना है, पाकिस्तान है, थाईलैंड है। ठीक है, और एक आपका कौन से यहाँ पर कंट्री ठीक है हाँ गाइस प्लीज एक बार से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते हुए चलना सारे लोग। ठीक है चलो अच्छा, तो 4 देशों के बीच में ये वाली एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो एक्सरसाइज है वो कहाँ पर की जा रही है, तो ये एक्सरसाइज की जा रही है चाइना के अंदर, एक प्रोविंस है हेनान, वहां पर की जा रही है। और ये जो एक्सरसाइज है अभी स्टार्ट हो चुकी है और ये अगस्त तक चलने वाली। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इस एक्सरसाइज के बारे में, तो ये वाली जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट हो चुकी है और ये चलने वाली है आपकी, कहाँ तक चलने वाली है, अगले मंथ तक चलने वाली है, अगस्त नहीं सेप्टेम्बर तक चलने वाली है, 6 से लेकर के 15 सेप्टेम्बर तक ये एक्सरसाइज चलने वाली। बस 4 देशों का नाम जरूर से याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, कौन सा पाकिस्तान, चिरकुट पाकिस्तान, हाँ चाइना हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, और एक आपका यहाँ पर कौन सी वाली कंट्री थी, मंगोलिया थी, और एक हो जाएगी आपके यहाँ पर थाईलैंड। अच्छा, तो इस एक्सरसाइज का जो पर्पज यहाँ पर बताया जा रहा है वो क्या बताया जा रहा है, ये एक शांति अभ्यास बताया जा रहा है। क्या शांति अभ्यास बताया जा रहा है, कमाल नहीं है, मतलब सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, कहावत सुनी है, कुछ ऐसा ही कर रहे हैं ये लोग भी। हाँ सारे पूरे देश में पूरे दुनिया में अशांति फैला रखी है और शांति एक्सरसाइज ये लोग करने जा रहे हैं कि शांति स्थापित की जाए पूरी दुनिया में, आपस की कंट्रीज में, उसके लिए एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। और देखो शांति की बात भी कौन कर रहा, उनका तो चलो समझ आता, ये देखो शांति की बात करने वाले, हाँ कसम से ना, चलो हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, हाँ बहरूपिया कहा जाता है ऐसे लोगों को, क्या कहा जाता है, बहरूपिया कहा जाता है। तो ये शेयर डेस्टिनी एक्सरसाइज है जो कि 15 सितंबर तक चलने वाली है, 4 कंट्रीज के बीच में होगी, चाइना के हेनान प्रांत के अंदर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, एंड प्लीज यार कितने कंजूस हो तुम लोग कसम से, सेशन को प्लीज लाइक कर दो एटलीस्ट जितना चोर पाकिस्तान, अरे ऐसे तो मत बोलो बकलौल पाकिस्तान, मतलब गजब नामकरण किए जा रहे हैं आप पाकिस्तान, क्या बकलोर पाकिस्तान तो ठीक है और कुछ। चलो गाइस 400 टारगेट्स दिया हुआ, एटलीस्ट जितना वॉचिंग चल रहा उतना सेशन को जल्दी से करके लाइक कर दो। अरे तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, आज मेरा फास्टेस्ट चल, मैं तुम्हारे क्लास लेने के लिए आई हूँ, अरे तुम लोग इतना नहीं करोगे, फिर सेशन को लाइक करो और शेयर करो दिल खोल के। ठीक है अब सुनो क्वेश्चन क्या है, बार्सिलोना ओपन चेस टाइटल किसने जीता है, तो भैया अब हुआ था बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट और इसमें जो टाइटल है ये किसने जीता है ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो बताइए मैं जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा यहां पर। ऑप्शन नंबर बी, हर्षित राजा ने चिरकुट की उपाधि दे दे तुमको, जिसने भी हर्षित राजा आंसर किया। यार हर्षित राजा कैसे तुम्हारा आंसर हो सकता है? हर्षित राजा को अभी 69th ग्रैंड मास्टर बनाया था, भूल गए क्या? आंसर हो जाएगा एसपी सेतुरमन। एसपी सेतुरमन की बात करते हैं, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और अभी ये बार्सिलोना ओपन चेस टाइटल जो है वो इन्होंने जीत लिया। ठीक है, तो ये इंडियन ग्रैंड मास्टर है जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, सेतुरमन जी। अब इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलो अच्छा, ग्रैंड मास्टर से बात करते हैं। एट प्रेजेंट में कितने 69 ग्रैंड मास्टर्स हो चुके? सबसे ज्यादा कौन से स्टेट से मिलेंगे? तो आपको तमिलनाडु से मिलेंगे और ये भी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अच्छा, 66 से शुरुआत करते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चार ग्रैंड मास्टर याद रखिएगा, ये जी आकाश बने थे 66 नंबर के, चले ठीक है। 67th नंबर के जो ग्रैंड मास्टर है ये किन्हें बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपका क्या नाम था उनका, मेंढका ना, लियोन मेंढका को बनाया जाता है, चले ठीक है। 68th ग्रैंड मास्टर ये किन्हें बनाया गया था गाइस? तो ये बनाया जाता है अर्जुन कल्याण को। किसे? अर्जुन कल्याण को बनाया जाता है। अगर 69th ग्रैंड मास्टर पूछा जाए तो ये अभी रिसेंटली बने थे आपके कौन, हर्षित राजा। कौन बने थे? हर्षित राजा। ये चार जरूर याद रखना, दिमाग में छाप लेना, पेपर में यहां से एक तो जरूर छपेगा ही छपेगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं यहां से रिलेटेड क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। हाँ पिंकी मैडम के शिष्य, बिल्कुल तुम्हारे चैट दिखाई दे रही, काहे परेशान होते हो? बिल्कुल दिखाई दे रही है भाई। चलो अच्छा, ये कौन है? यही तो है एसपी सेतुरमन, जो कि इंडियन ग्रैंड मास्टर है और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो बार्सिलोना ये चेस टूर्नामेंट इन्होंने यहाँ पर जीत लिया है, ठीक है। चलिए चेस से रिलेटेड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं ये एक बार से देख लेते हैं हम लोग। चलो सुनो, पहला देखो, चेस का आविष्कार किस देश में होता है? तो ये जो है इंडिया के अंदर इसका आविष्कार किया गया था और ये 4000 साल पहले होता है, यानी कि 6th शताब्दी में होता है इसका आविष्कार, ठीक है ना, काफी साल पहले इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट सुनो, चेस का प्राचीन नाम क्या है? चेस, जिसे आप चेस बोलते हो ना, पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसे चतुरंग कहा जाता था। पहले इसे क्या कहा जाता था? चतुरंग कहा जाता था। पहले ये नहीं होते थे कि आप चेस खेलते हैं, पहले आप चतुरंग खेलते हैं। क्या खेलते हैं? चतुरंग खेलते हैं। चलिए ठीक है, आगे सुनो, विश्वनाथन आनंद जी की जो ऑटोबायोग्राफी आती है, 1988 में इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी और किस नाम से आई थी? माइंड मास्टर के नाम से। किस नाम से? माइंड मास्टर के नाम से। विश्वनाथन आनंद पहले ग्रैंड मास्टर है इंडिया के, 5 बार ये चैंपियनशिप विजेता रह चुके हैं और इन्हीं को दिया गया था देश का पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। देश का पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन्हीं को कब दिया जाता है? इसकी शुरुआत 1991-2 में होती है और पहली बार इन्हीं को दिया था। इसका नाम चेंज हो चुका है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से हो गई है, जिसमें 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे प्राइज मनी, जो बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर ये कौन थी? सो इनका नाम है एस विजय लक्ष्मी। क्या नाम है इनका? एस विजय लक्ष्मी। इतनी चीजें समझ में आए सबको? यस, बहुत ही अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। हाँ मैडम जी, इससे पहले के 3 ग्रैंड मास्टर बता दो, नहीं पूछे जाएंगे पेपर में, नहीं पूछे जाएंगे बेटा, 66 से याद रखो, बस इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। इसी साल के पूछे जाएंगे, इससे पहले के नहीं पूछे जाएंगे, तो फालतू में इतना सब याद करने का कोई फायदा नहीं है, ओके। चलो अच्छा, आगे सुनो, देश की जो पहले चेस अकेडमी बनाई जा रही है ये कहाँ पर बनाई जा रही है? तो ये उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, वहां पर इसे बनाया जा रहा है। फिडे की स्थापना कब होती है भाई? देखो फिडे, फिडे क्या है? ये एक ऐसी बॉडी है जो चेस के जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं चेस के, वो कौन कंडक्ट करवाता है? तो फिडे ही तो कंडक्ट करवाता है। कौन? फिडे कंडक्ट करवाता है। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पर? लॉसेन स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर मिलता है लॉसेन स्विट्जरलैंड में और इसकी जो स्थापना है वो 1924 के अंदर की जाती है। कब? 1924 में इसकी स्थापना की जाती है। अगर आपसे प्रेसिडेंट पूछा जाए, चलो इसका आंसर तुम लोग करो। आगे सुनो, इंटरनेशनल चेस डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इंटरनेशनल चेस डे की बात करते हैं, 20 जुलाई को ये सेलिब्रेट होता है। फिडे की होबे है मैडम जी, अभी तो बताया कि होबे है। हाँ, जो चेस टूर्नामेंट होते हैं उनको इसी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, फिडे के द्वारा है। तो 20 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं हम चेस डे।
जिसे पहले क्या कहते थे, पहले चतुरंग कहा जाता था, किसको, चेस को, पहले चतुरंग कहा जाता था, ठीक है ना। ओके सो प्रेसिडेंट नहीं बताया भाई अभी तक किसी ने भी, संदीप कपूर, मतलब यार कमाल ही करते। सुनो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हो जाएंगे दैट इज अर्काडी डॉर्कोविच है, कौन है, अर्काडी डॉर्कोविच, ठीक है। चलिए अच्छा, इंटरनेशनल ये आपकी बॉडी है फिडे, इसके यहाँ पर ये प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे। आगे बढ़ते हैं भैया, ये कौन है, हाँ बड़ी हंसी आ रही है कसम से, इनकी हंसी से तो झुर्रियां इतनी पड़ रही हैं। चलिए देखते हैं इनके बारे में, जानते हैं इस हंसी के पीछे क्या राज है। सुनो, कमला हैरिस एंड द राइस ऑफ इंडियन अमेरिकन के लेखक कौन है, तो भैया यहाँ पर जो है ना कमला हैरिस जो कि कौन है आपकी इंडियन ऑरिजिन की है, सो वैसे तो गौरव सर इनको फेमस कर दे कमला बुआ के नाम से, बट हमें क्या लगता है कमला मौसी होना चाहिए इनको, है कि नहीं, हमारे देश की बेटी आखिर ये तो बेटी क्या हुई हमारी, तो मौसी बना क्या, छोड़ो। हाँ क्वेश्चन पर आधे, कमला हैरिस जो कि यूएसए के अंदर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ये अपॉइंट की गई थी जो कि इंडियन ऑरिजिन की हैं, और इनको लेकर की अभी एक बुक आती है और जिसका नाम क्या है, कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो नोट करो इस बुक के जो लेखक हो जाएंगे दैट इज तरुण बसु, कौन हो जाएंगे, तरुण बसु इसके लेखक है जिनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। हाँ भाई ये तो मैं बताना ही भूल गई थी, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम उम्र के जो ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन है, अभिमन्यु मिश्रा है, इंडियन ऑरिजिन के हैं, अमेरिकन है, 12 साल 7 महीने कुछ जो है इनकी उम्र हो जाएगी। अगर इंडिया के अंदर पूछा जाए सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर, सो डी गुकेश हो जाएंगे आपके यहाँ पर यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, समझ आया आप, ठीक है, आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर आपका तरुण बसु, जिन्होंने कमला हैरिस के को लेकर के ये बुक लिखी है। अच्छा कमला हैरिस की बात करते हैं तो इनको लेकर के 3 और बुक्स आई हैं जो कि आपको याद रखनी है, तो जरा एक बार से देख लेते हैं ये 3 और बुक्स जो है यहाँ पर वो कौन कौन सी हो जाएंगे। सुनो ध्यान से देखो, एक बुक आती है स्मार्ट ऑन क्राइम के नाम से, किस नाम से आती है, स्मार्ट ऑन क्राइम के नाम से एक बुक आती है, ठीक है। अच्छा एक और बुक आती है इनके जिसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, तो ये जो दोनों बुक है वो इनके ऊपर आती है। हालांकि एक और बुक आई थी इनकी वो भी याद रखिएगा, ट्रुथ वी हेल्ड के नाम से, किस नाम से, ट्रुथ वी हेल्ड के नाम से एक और बुक आती है, ये भी इन्हीं के ऊपर थी। तो ये तीनों बुक्स कमला हैरिस के ऊपर ही है, ये तीनों भी आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर है सबको क्वेश्चन, वेरी नाइस, हाँ जी ठीक है। चलो अच्छा अब देखो भाई, ये तो बात हो गई कमला हैरिस की, लेकिन और भी देखो कुछ बुक्स हैं यहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर हाँ जी ये तो अच्छा इन्हें की बुक आई तरुण बासु जी के द्वारा जो लिखी गई। नेक्स्ट सुनो, हंटर बाइडेन, कौन है भाई हंटर बाइडेन, अगर हंटर बाइडेन के पूछा जाए तो इनके भी एक बुक आती है, और इनकी जो बुक आती है ब्यूटीफुल थिंग्स के नाम से आती है, और इसको जो लॉन्च किया गया था ये जो बाइडेन के बेटे हैं, हंटर बाइडेन जो बाइडेन के बेटे हैं, इन्होंने इस बुक को लिखा था, नाम हो जाएगा इस बुक का ब्यूटीफुल थिंग्स, ये ध्यान रखिएगा ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा जो बाइडेन की बात करते हैं, इनकी इन्हीं का ये बेटा है हंटर बाइडेन, तो इनको लेकर के भी 2 बुक आती हैं, और उसका नाम क्या है, प्रॉमिस टू कीप एंड प्रॉमिस मी डैड के नाम से, ये दोनों बुक हंटर बाइडेन, सॉरी जो बाइडेन की बुक है भाई, ये दोनों ध्यान रखिएगा ठीक है। और इनका जो बेटा, इनका जो छोकरा है, क्या नाम है इसका, इनका सॉरी हंटर बाइडेन नाम है इनका, और इनकी जो बुक आती है वो ब्यूटीफुल थिंग्स के नाम से आती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। आगे सुनो, ये कौन है भैया, सो डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ है मेलानिया ट्रंप, और इनके ऊपर एक बुक आती है, उस बुक का नाम क्या है, द आर्ट ऑफ हर डील अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप, और ये जो बुक लिखी जाती है यूएसए की एक पत्रकार है, एक जर्नलिस्ट है, जिनका नाम है मैरी जॉर्डन, तो मैरी जॉर्डन के द्वारा इस बुक को लिखा गया था, किसके द्वारा, मैरी जॉर्डन के द्वारा इस बुक को लिखा गया था, ये मेलानिया ट्रंप के ऊपर लिखी गई बुक है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 11। सुनो हाँ जी, सीएससी की पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान दिया गया है। सीएससी की बात करते हैं, सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट, क्या है, सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट, तो यहां पर एक ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स रिलीज किया है, इसमें किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान दिया गया है। काजल मैम बहुत अच्छी है, हाँ मैम बहुत अच्छी है ठीक है, और मध्य प्रदेश में, ओडिशा में, केरल में, यार सारे आंसर तो तुम लोगों ने कर दिए हैं,
चलो देख लेते हैं, इससे पहले कि तुम्हारा तुक्का लगाने का सिलसिला चरम सीमा पर पहुंच जाए, इससे पहले हम लोग जरा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या। जो बच्चे यहाँ पर आंसर कर रहे हैं ओडिशा, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, बाकी सब जा रहे हैं गलत। आ जाओ भाई, ओडिशा घुमाते तुमको। सुनो, सेंटर फॉर साइंस एनवायरमेंट ने एक यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स रिलीज किया है और इसमें ये कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है, किसका, ओडिशा का जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो पहले स्थान पे रहा है यहाँ पर। अगर आपसे पूछा जाए इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे कौन रहा है, सो तेलंगाना दूसरे नंबर पे रहा है और तीसरे नंबर पे कौन रहा है, तमिलनाडु है, जो कि इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे रहा है। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। क्लियर है सबको क्वेश्चन? मैम इंग्लिश में क्वेश्चन अलग है, क्या बात करो। विच स्टेट हैज बिकम द सेकंड स्टेट टू इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अरे यार, ये हमारे कंटेंट मैनेजर है ना, आजकल कुछ ज्यादा नहीं गलतियां करने लग गए हैं। इसका आंसर मध्य प्रदेश है। जिन्होंने मध्य प्रदेश आंसर किया था, हो सकता है उन्होंने ये वाला क्वेश्चन पढ़ करके आंसर किया हो कि सेकंड एजुकेशन पॉलिसी मध्य प्रदेश ने लागू की थी। हिंदी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना और हिंदी के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज ओडिशा आपका सही आंसर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो अच्छा, ये तो बात हो गई रैंक, इसमें ओडिशा नंबर वन पे है, लेकिन देखो कुछ और भी रैंकिंग यहाँ पर और कुछ इंडेक्सेस रिलीज किए जाते हैं, वो देख लेते हैं क्या है। ब्रिटिश कंपनी हाउसफ्रेश की रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे प्रदूषित देश है वो कौन सा है, तो यहाँ पर भाई बांग्लादेश है जो कि सबसे ज्यादा प्रदूषित बताया जा रहा है, और सेकंड नंबर पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर पाकिस्तान हो जाएगा और तीसरे नंबर पे आ जाता है इंडिया। इसी लिस्ट की बात करते हैं तो ये शहरों को लेकर के भी लिस्ट रिलीज की गई थी और शहरों के मामले में चाइना का शहर है होटन, शहरों के मामले में चाइना का होटन शहर है जो कि नंबर वन पे था, और दूसरे नंबर पे था यहाँ पर आपका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का। ये दो सबसे ज्यादा प्रदूषित यहाँ पर बताए गए हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट सुनो, सीसीटीवी कैमरा लगाने के मामले में दुनिया का कौन सा शहर है जो टॉप पे रहा, ये आप सभी को बताना चाहिए, दिल्ली रहा है। अगर बात करते हैं यहाँ पर प्रति वर्ग माइल की बात करते हैं, प्रति पर माइल स्क्वायर की बात करते हैं, तो 1826 सीसीटीवी कैमराज हैं जो कि यहाँ पर लगाए हुए, जो कि मुंबई से पूछा जाए तो 11 गुना अधिक है और चेन्नई से 3 गुना अधिक यहाँ पर बताए जा रहे हैं। सेफ्टी पर्पज से भी दिल्ली आपका नंबर वन पे है भाई, सेफ सिटी इंडेक्स इसमें भी दिल्ली जो है वो नंबर वन पे आया है सेफ सिटी इंडेक्स में, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं तो दिल्ली 48 नंबर पे रहा है। और अगर पूछा जाए मुंबई के बारे में, दो शहर चुने गए टॉप 60 में, मुंबई 50th नंबर पे रहा है आपका, ठीक है ना। और वैसे पूछा जाए सबसे सेफ सिटी कौन सी है पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो शहर है कॉपेनहेगन, कौन सा शहर, कॉपेनहेगन है, डेनमार्क का शहर, ये नंबर वन पे रहा है। फिर दूसरे नंबर पे टोरंटो रहा है, ये किसका है, डेनमार्क का शहर है, और तीसरे नंबर पे कौन से, सिंगापुर सिटी रही है। देखो मैंने सारे इंडेक्सेस रिलीज मतलब रिलीज करा दिए, कह रही हूँ रिवाइज करा दिया आप लोगों को, ठीक है ना। तो साथ के साथ ये भी हो रहा है आपकी क्लास में स्मार्ट सिटी इंडेक्स, इसमें सूरत और इंदौर है जो कि यहाँ पर टॉप पे रहे थे, ठीक है ना, क्लियर है इतनी चीजें। ओके, काजल मैम की क्लास, काजल मैम की क्लास होगी आज रात को 9 बजे, ठीक है, तो आज रात को 9 बजे जुड़ जाना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सुनो और देखो क्या क्या पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। गाइस प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते हुए चलिएगा, लाइक एंड शेयर करते हुए चलिएगा, ठीक है। हाँ भाई, अब ओडिशा से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट्स देख लेते हैं। ओडिशा में जो हॉकी मैंस वर्ल्ड कप 2023 ये कहाँ पर होने जा रहा है, 2023 वाला, तो ये आपका होने जा रहा है कहाँ पर, ओडिशा के अंदर। ओडिशा में दो जगह पे होगा, एक तो होगा जो बाराबंकी स्टेडियम है आपका, सॉरी कलिंगा यार, कलिंगा स्टेडियम, एक तो कलिंगा स्टेडियम में और एक आपका कहाँ पर होने जा रहा, जो बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा गया, बिरसा मुंडा स्टेडियम, ठीक है, राउरकेला में। इंडियाज फर्स्ट चेस एकेडमी ये भी कहाँ पर ओपन की जा रही है, तो इसे ओपन किया जा रहा है भुवनेश्वर के अंदर, ओडिशा के कैपिटल में। आगे सुनो, इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम जो है ये कहाँ पर बनने जा रहा है आपका, राउरकेला में बनने जा रहा है, यहीं पर तो 2023 वाले हॉकी वर्ल्ड कप होंगे बिरसा मुंडा जी के नाम पर। लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, तो भाई जो लॉन्गेस्ट डैम की बात आती है तो आपको याद रखना हीराकुंड डैम है, कौन सी नदी पे बना हुआ है, भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है, कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये जो है ओडिशा के अंदर ही देखने को मिलता। कितने सवाल और होंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज इतने ही। राइस रिसर्च सेंटर पूछा जाए तो ओडिशा के कटक में मिलेगा, लेकिन अगर आपसे इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर पूछा जाए तो इसके जो लोकेशन है ये कहाँ पर मिलती है आपको, फिलीपींस के अंदर, ठीक है,
गोल्डन राइस को मान्यता किसने दी है? फिलीपींस ने दी है, और इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर आपको यहीं पर देखने को मिलता है। हाँ जी, इतनी चीजें समझ में आई सभी को? बताओ जल्दी से। ओके चलो, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ओडिशा का मैप भी नहीं लगा रखा है आज, कोई बात नहीं, ओडिशा की बात करते हैं। देखो, कैपिटल आप सभी को पता है भुवनेश्वर इसकी कैपिटल हो जाएगी, और सीएम कौन है यहाँ पे? नवीन पटनायक जी हैं, जिन्हें पेटा की तरफ से हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया जाता है, और यहाँ के जो गवर्नर हो जाएंगे दैट इज गणेशी लाल इसके गवर्नर हो जाएंगे। ओडिशा के अंदर आपको कोणार्क सन टेम्पल देखने को मिलता है, और कोणार्क सन टेम्पल अगर आपसे पूछा जाए कितने रुपए के नोट पर कोणार्क सन टेम्पल की तस्वीर मिलती है, तो 10 रुपए का नोट है जिसपे कोणार्क सन टेम्पल की तस्वीर मिलती है। ठीक है, अच्छा, रानी की वाव ये 100 रुपए के नोट पर मिलेगा, और 500 रुपए के नोट पर ये किसकी तस्वीर मिलती है आपको? तो सांची का स्तूप मिलता है आपको। सांची का स्तूप 200 रुपए के नोट पर है, 500 रुपए के नोट पर है। मंगलयान वाला ये मिलेगा आपको 2000 के नोट पर। ठीक है, हाँ एक बार से ये कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए, अच्छा बिल्कुल सही है। चलो, अच्छा, सो गाइज ये था भाई आज का हमारा सेशन। अच्छा, स्टैटिक जीके करने हैं कि नहीं करने, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। आप लोग बताओ जल्दी से स्टैटिक जीके के पॉइंट्स कराऊं या नहीं कराऊं? आप लोग कहोगे तो करा देंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। हाँ जी, लाल किला, हाँ लाल किला जो है ये 500 रुपए के नोट पे है, सॉरी, हाँ लाल किला जो है ये 500 रुपए के नोट पे दिया हुआ है, और जो 200 रुपए का नोट है उसपे उसपे सांची का स्तूप मिलता है आपको। सांची का स्तूप 200 रुपए के नोट पे मिलता है, और रानी की वाव जो है, रानी की वाव ये आपको 100 रुपए के नोट पे मिलती है, और मंगलयान, मंगलयान जो है ये आपको 2000 के नोट पर मिलता है, और कौन सा बच गया? 50 रुपए का नोट बच गया ना, हम्पी, हम्पी जो है ये आपको 50 रुपए के नोट पर मिलता है। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ देखो, ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको सारे इकट्ठे यहाँ पर दे दी है। अच्छा, 20 रुपए का एक है, 20 रुपए के दो नोट है, जो नया वाला आया है ना उसपे एलोरा की गुफाएं बनी हुई है, एलोरा की गुफाएं 20 रुपए के नोट पे। पुराने वाला जो नोट आपका उसके उसके ऊपर अगर आप देखोगे 20 रुपए के नोट पे, तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क मिलेगा आपको यहाँ पर। कौन सा? माउंट हैरियट नेशनल पार्क मिलेगा। ठीक है, ये 20 रुपए का पुराना वाला नोट है, ये नया वाला नोट है। चलो भाई, सो गवर्नर गणेशी लाल है, हाँ ठीक है, करवाओ मैम, करवाओ स्टैटिक जी के, करवाएं क्या? आर यू श्योर? रेडी हो सब लोग? चलो ठीक है, फिर थोड़े से क्वेश्चंस करते, ज्यादा नहीं करेंगे। हाँ, 5-6 questions करा देती हूँ, 5-6 questions करा देती हूँ, सुनो। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या, फ्लाई एश कचरा किससे उत्पन्न होता है? जो फ्लाई एश कचरा होता है, जो वेस्ट होता है, ये आपको आपसे पूछा जा रहा है, इसको ये कैसे जनरेट होता है, मतलब इसको ये कहाँ से उत्पन्न होता है, ये आपको बताना। चलो, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टाक से आंसर आ जाना चाहिए इसका। जल विद्युत संयंत्र से, ताप विद्युत संयंत्र से, भूतापीय संयंत्र से, या फिर पवन चक्की से ये उत्पन्न होता है, तो भैया कहाँ से ये उत्पन्न होता है बताओ जल्दी से। कल वाली क्लास का पीडीएफ मिल गया था क्या आप लोगों को या नहीं मिला था? अच्छा, हाँ भाई सुनो, हाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? अच्छा, ऑप्शन नंबर सी आंसर भी आना स्टार्ट हो गए। सुनो, फ्लाई एश की बात करते तो ये कैसा कचरा होता है? ये एक ऐसा वेस्ट होता है जबकि ज्यादातर किसी भी चीज को जलाने की वजह से होता है। जब किसी भी चीज को बड़ी संख्या में जलाया जाता है, उसके ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे माइन पार्टिकल्स होते हैं, वो उड़ते जाते और वातावरण में ऊपर जाकर के क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? ये ताप विद्युत संयंत्र की वजह से होता है। आंसर आपका चला जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा आपको ये देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर ये सब चीजें जलाई जाती है, जैसे कि कोयला हो गया आपका। कोयला जलाने से भी क्या होता है? ये महीन कण होते हैं जो बनते हैं और ऊपर वातावरण में जाकर के जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फ्लाई एश कहा जाता है इसको।
क्लियर है सबको यहाँ तक? ओके, भविष्य में से बढ़ाकर 100% करने का लक्ष्य रखा जा रहा है। एक सेकंड सुनो, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि बिजली संयंत्रों के द्वारा जो उत्पादित ऐश जमीन का एक बड़ा हिस्सा घेर दिया, वर्तमान में लगभग 63% फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है और भविष्य में ऐसा बोला जा रहा है कि 100% जो फ्लाई ऐश है उसका यूज किया जाएगा। आजकल ये रीयूजेबल जो है ज्यादातर चीजों को किया जाता है ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। ठीक है, आगे सुनो, ब्राजील में कृषि को स्थानांतरित करने के रूप में जाना जाता है। ब्राजील में कृषि को कौन सी कृषि है जिसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है? कहाँ की बात चल रही है? ब्राजील की बात चल रही है। तो देखो, ब्राजील की बात करते हैं तो यहाँ पर एक रोका कृषि होती है, रोका कृषि, जिसे ब्राजील में शिफ्टिंग उसके एग्रीकल्चर के रूप में जाना जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो फसल होती है उसको जगह चेंज की जाती है, उसके कुछ टाइम पर जहाँ पर चावल उगाया है फिर कुछ टाइम के बाद वहां पर कुछ और उगाया जाएगा, फिर चावल को कहीं और उगाया जाएगा, है ना। हमारे यहाँ पे इसको झूम खेती कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, झूम खेती कहा जाता है। तो इसे ब्राजील में क्या कहा जाता है? ब्राजील में इसे रोका खेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राजील में रोका खेती कहा जाता है। इसमें जंगलों को साफ करना, मल को जलाना, दूसरे प्लांट में जाने से पहले कुछ वर्षों के लिए जमीन पर खेती करना, तो ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट सुनो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये क्या है? ये है आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क। तो यूपी के अंदर मिलता है आपको एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क और आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। आज फिर इंडिया को मिला गोल्ड मेडल। अरे वाह भाई, पैरालंपिक्स को तो भूल ही गए थे हम लोग, पैरालंपिक्स आपका चल रहे हैं और उसके ऊपर अभी बनानी है वीडियो, कोई बात नहीं। हाँ, एक एक करके होने दो, सारी चीजें फिर एक साथ ही बता दी जाएंगी आपको। बताओ भाई जल्दी से, टोक्यो का पीडीएफ नहीं मिला? क्या बात करते हो यार, मेरी तरफ से तो चला गया था पीडीएफ। चलो चेक करती हूँ मैं। देखो हाँ जी, इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज लखनऊ। जो नवाबों की नगरी लखनऊ है, यहीं पर आपको देखने को मिलता है बायोटेक्नोलॉजी पार्क। क्या? बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वो नवाबों की नगरी लखनऊ में आपको देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? लखनऊ सही आंसर हो जाएगा। और देखो, नॉलेज पार्क की बात करते हैं तो ये भी आपको उत्तर प्रदेश में मिलता है और इसकी लोकेशन कहाँ पर है? नोएडा के अंदर। मेगा फूड पार्क, ये उत्तर प्रदेश के अमेठी में मिलेगा। हेरिटेज सिटी लखनऊ में मिलेगी और आगरा में भी लोकेटेड है। सोलर पार्क, ये भी नवाबों की नगरी लखनऊ में लोकेटेड है। प्लास्टिक सिटी की बात करते हैं तो ये कानपुर और जौनपुर के अंदर लोकेटेड है। कहाँ पर? कानपुर और जौनपुर में लोकेटेड है। इतनी चीजें क्लियर है सबको? चलो, दो गलत हो गए, दो ही तो कराए अभी तक मैंने। हाँ, फोर्थ पे आए, खैर तीन कराए हैं बस। गारो पहाड़ियां भारत के इनमें से किस राज्य के अंदर देखने को मिलती है? देखो भाई, गारो हो गई, खासी हो गई, जयंतिया हो गई, तो ये जो तीनों ट्राइब्स होती हैं, इन तीनों ट्राइब्स को मिला करके एक स्टेट का निर्माण किया जाता है और वो कौन सा वाला स्टेट था? आपका मेघालय था। तो आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? मेघालय सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहीं पर मेघालय के अंदर एक जगह देखने को मिलती है जहां पर पूरे देश के सबसे अधिक वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है, कौन सी जगह पे होती है? तो यहाँ पर एक जगह है चेरापुंजी मासिनराम। कौन सी? चेरापुंजी मासिनराम। यहाँ पर नेशनल पार्क्स भी देखने को मिलते हैं आपको। कौन कौन से नेशनल पार्क है यहाँ पर? एक तो हो जाएगा बाल पकरम नेशनल पार्क आपका, ठीक है, और एक हो जाएगा नौकरेक नेशनल पार्क। तो ये जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर मिलते हैं? मेघालय के अंदर देखने को मिलते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक, सभी को? ओके ओके, चलो नेक्स्ट सुनो भाई, नेक्स्ट देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रावधानों के अनुसार भारत के प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी? तो जो भारत में जो द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है, तो डायरी सिस्टम जो आता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है, किस एक्ट के अकॉर्डिंग या फिर किस प्रावधान के अकॉर्डिंग लाया गया था, ये आपको बताना है। तो बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आपका सही आंसर क्या होगा जल्दी से? हाँ जी, किसके अकॉर्डिंग लाया जाता है? एंड प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते चले सारे बच्चे।
यार एटलीस्ट 400 तो कर दो, कम से कम 400 लाइक्स का टारगेट दिया वो जल्दी से अचीव कर दो बस तुम लोग, ठीक है? बिल्कुल, जो बच्चे आंसर करें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है जो कि 1919 में लाया गया था, इसी के अकॉर्डिंग, इसी के बाद में भारत का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें कुछ बदलाव किए गए थे। डायरी के सिस्टम है आपका जो कि लाया गया था, और द्विसदनात्मक जो है विधानमंडल को द्विसदनीय यहाँ पर बना दिया गया था इन्हीं सुधारों के बाद में, ठीक है? इनमें से एक सदन को राज्य परिषद और दूसरे को क्या कहा जाता है? केंद्रीय विधानसभा कहा जाता है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है आपका और लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। तो ये बेसिकली इसे सुधार के बाद में लाए थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के बाद में लाया जाता है आपका ये डार्के सिस्टम। समझ में आया सबको यहां तक क्वेश्चन? हां जी, चलो बस आज के लिए इतने क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। एक रॉन्ग हुआ स्टार्टिंग जीके, बस एक ही गलत हुआ, चलिए भी तो अच्छी बात है। करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स का क्या क्या स्कोर रहा भाई, अपना अपना चेक कर लीजिएगा आप लोग। और बाकी देखो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे हम लोग। जाने से पहले सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना, क्लास अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे आने वाले मेरे सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे, ठीक है? चलो अच्छा, और टाइम्स कोचिंग की एप्लीकेशन को जरूर से इंस्टॉल कर लेना, ताकि जो बैचेस आपके लिए लेकर आए हैं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जन्माष्टमी स्पेशल पर एक खास ऑफर भी आप लोगों के लिए लाया गया है जन्माष्टमी स्पेशल पे, और ये जो ऑफर है आपका, खुल जा भाई खुल जा जल्दी से, हाँ भाई पता है आज इंडिया को गोल्ड मेडल जीता है, बिल्कुल पता है, और पैरालंपिक्स के बारे में सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है वैसे, ठीक है? और ये देखो गाइज, ये बैचेस हैं आपके लिए जो लेकर आए हैं, 35% ऑफ मिलेगा, आपको कोड यूज़ करना है, लेकिन उसके लिए कृष्णा 35, ये कोड जैसे आप यूज़ करते हो तो सभी बैचेस पर आपको 35% ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? चलिए ओके, बाय गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।